गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना वाला चैप्टर एंड किया था। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। कल अपने सेकंड वीडियो से इसको प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। आज अपने ये बताएंगे कि इस चैप्टर में अपने क्या क्या पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़, उनके क्या गुण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं वो समझना। स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं। पहले चैप्टर में अपने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में ये सारा पढ़ा हुआ है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन आपके सिलेबस में नहीं है, मुख्य आपके तीन है, ठोस, द्रव, गैस। अगर मैं बर्फ की बात करता हूँ ठोस, ग्लास में पानी की बात करता हूँ द्रव, और बादलों की बात करता हूँ जिसमें जल वाष्प है तो वो हो जाएगी गैस। दूसरा, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? गैस, द्रव, ठोस। गैस क्या क्या होती है समझना, गैस की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती, गैस का जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता। मतलब ये हुआ समझना, गैस की एक सेकंड, गैस की क्या बोर्ड चेंज कर रखा है कहीं से, एक सेकंड बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें थोड़ी सी। इस वजह से आ रही है ये, एक सेकंड। गैस बेटा वो होती है जिनका आयतन और आकृति या आकार बोल दो, दोनों ही अनिश्चित हो। गैस का आकार भी अनिश्चित होगा, आयतन भी अनिश्चित होगा। आप जिस पात्र में लोगे उसी के आकार को धारण कर लेगा। जिस पात्र में लिया, जितना आयतन पात्र का है उतना ही आयतन किसका हो जाएगा, गैस का। अगर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है तब तो क्या होगा, गैस। अगर दोनों निश्चित है तब वो हो जाता है ठोस। आकार व आयतन दोनों निश्चित। जैसा मान लीजिए मार्कर है, ठोस है, ये मेरे हाथ में है तब भी उसकी आकार ऐसा ही है, मटके में डाल दू तब भी इसके आकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयतन मापोगे इसका तो सिलेंडर जैसा है, सिलेंडर के हिसाब से माप लेंगे। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित है तब तो ठोस, दोनों अनिश्चित है गैस। अगर आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो तब उसको बोलते हैं द्रव। जैसे आप दूध लेने जाते हो, जिस पात्र में लाओगे उसी आकार का आएगा, लेकिन आयतन 1 लीटर मांगा तो 1 लीटर मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको पहले भी बताई है, दोबारा भी बताई है, आगे समझना। वापस गैस आकार आयतन दोनों अनिश्चित, द्रव आकार अनिश्चित आयतन निश्चित, ठोस आकार और आयतन दोनों निश्चित। कंप्रेसिबल,
गैस को आप संपीड़ित कर सकते हो, गैसों में बहुत से रिक्त स्थान होते हैं तो वो आसानी से पास पास आ जाएंगे, मतलब गैसों को आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। द्रव ठोस की तुलना में कम संपीड़ित होगा क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कम होंगे, ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होते हैं तो ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोसों को संपीड़ित नहीं कर सकते। कुछ ठोस जैसे अकृष्णीय हुए कांच रबर प्लास्टिक वो संपीड़ित होते हैं। फ्लो प्रवाह, गैस का प्रवाह सबसे तेज होता है, द्रव का उससे धीरे होगा, ठोस का होगा ही नहीं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में, उससे कम द्रव में, ठोसों में प्रवाह की फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। ये अपने पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, नेक्स्ट समझना। ये कुछ अवस्था है, देखो कण बिल्कुल पास पास है ठोस, थोड़ा रिक्त स्थान आया द्रव, तो देखो इसमें रिक्त स्थान नहीं, इसको दबा नहीं सकते, इसमें कुछ रिक्त स्थान है थोड़ा दबा सकते, इसमें बहुत रिक्त स्थान है दबा के कणों को पास पास ला सकते, इसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। ये ठोस, इसमें कण थोड़े थोड़े दूर है द्रव, और ज्यादा दूर हो गए गैस। अगर मान लीजिए इन तीनों अवस्थाओं के अंतर परिवर्तन की बात करें, इनके अंतर परिवर्तन की बात करें तो ध्यान से समझना। यदि मैं ठोस की बात करूं, ठोस को गर्म करने से ठोस पहले द्रव में बदलेगा, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। किसी भी ठोस को द्रव में बदले हो प्रक्रिया कहलाती है गलन, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होगी उस ताप को बोलते हैं गलनांक। अगर द्रव को ठंडा करें तो वापस ठोस में बदल जाएगा, इस क्रिया को नाम देते हैं जमना, और जिस ताप पे जमेगा वो कहलाएगा हिमांक। ठोस से द्रव क्या कहलाएगा, गलन, और द्रव से ठोस क्या कहलाएगा, जमना। ठोस द्रव में बदलेगा गलनांक पर, और द्रव ठोस में बदलेगा हिमांक बिंदु पर, किस पर, हिमांक बिंदु पर। द्रव को गर्म किया गैस बनेगी, द्रव को गर्म करने से क्या बनेगी, गैस। जिस ताप द्रव को गैस में गर्म, द्रव को गर्म किया गैस बनी, द्रव से गैस बनने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, और जिस ताप पे होगा वो इसका कवतांक बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। गैस को ठंडा करें तो ये द्रव में बदल जाएगी, इस क्रिया को बोलते हैं संघनन, और जिस ताप पे होगी वो क्रांतिक ताप कहलाएगा। अगर कोई ठोस गर्म करने से सीधा गैस में बदल जाए तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, जिस ताप पे होगा वो ऊर्ध्वपातन ताप। अगर गैस को सीधा ठोस में बदले तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। दोबारा समझना बात को, स्पीडली समझना क्योंकि चैप्टर पूरा दोबारा पढ़ेंगे अपने, अभी तो रफली इसका आइडिया बता रहा हूं कि इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठोस, द्रव, गैस, ठोस द्रव और गैस। ये पेन भी अजीब हो गया, एक सेकंड। अगर ठोस को द्रव में बदले, ठोस को किस में बदले, द्रव में, तो ये क्रिया कहलाती है गलन, जिस ताप पे होगी वो कहलाएगा गलनांक, गलनांक। द्रव को ठोस में बदले तो ये क्रिया कहलाती है जमना, जिस ताप पे होगी वो ताप कहलाएगा हिमांक। द्रव को गैस में बदले तो ये क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, जिस ताप पे होगी वो कहलाएगा कवतांक, बॉइलिंग पॉइंट। गैस को द्रव में बदले ये कहलाता है संघनन, जिस ताप पे होगा वो ताप कहलाएगा क्रांतिक ताप। क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप। आज तो पेन भी आपके अपने आप ही चेंज हो रहा है। अगर ठोस सीधा गैस में बदला तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगर गैस ठोस में बदला तो इसको बोलते हैं निक्षेपण। ये तीन चार नाम है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठोस द्रव में बदलना, द्रव का गैस में बदलना, गैस का ठोस में या ठोस का गैस में।
ये तीन अंतर परिवर्तन जो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे समझो, अंतराणुक बलों की बात करें तो गैस के कण सबसे दूर दूर होते हैं, सबसे दुर्बल अंतराणुक बल होगा। द्रवों में गैसों से ज्यादा अंतराणुक बल होगा और ठोसों में सबसे ज्यादा अंतराणुक बल होगा। ठोस में सर्वाधिक अंतराणुक बल है इसलिए आकार और आयतन दोनों निश्चित। गैस में सबसे कम बल है इसलिए आकार आयतन दोनों है निश्चित। द्रव में ठोस से कम बल है इसलिए आकार है निश्चित, लेकिन गैस से ज्यादा है इसलिए उसका आयतन निश्चित है। यह फोर्स का दिखाया है, डिस्पर्सन फोर्सेस और लैंडिंग फोर्सेस। ये आपके पांच तरह के फोर्सेस पढ़ेंगे आपके, कि उदासीन अणुओं में या आयन और अणु के बीच में, अणु ध्रुवीय है तो कैसा बल लगेगा, अध्रुवीय तो कैसा बल लगेगा। इनको बोलते हैं वांडरवाल फोर्सेस, वांडरवाल बल। वांडरवाल बल पांच प्रकार के होते हैं, पांचों बल को नाम देते हैं डिस्पर्सन या लंदन बल। ये अपने पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये पांच तरह के होंगे, डाइपोल, डाइपोल आपके तीन ही दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने पढ़ चुके, गैस लो। उसके बाद पढ़ेंगे गैसों के नियम, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे अपने बॉयल्स का नियम। रफली बता रहा हूं, बाकी कल पढ़ेंगे अपने इसको आगे। रफली इतना याद रखो, बॉयल्स नियम में मान लीजिए कोई गैस है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि अब मेरे इस हाथ में गैस है कि नहीं है, है। गैस का आयतन कितना है, जितना हाथ फूला हुआ उतना। अब मैंने इसको दबाया ऐसे, तो दबाते ही क्या होगा, उस गैस का आयतन कम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने दाब बढ़ाया गैस की निश्चित मात्रा का तो उसका आयतन कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है, ये बॉयल का नियम कहलाता है। बॉयल का नियम पूरा डिटेल पढ़ेंगे ये अपने, अभी तो इतना ही याद रखना है नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P बढ़ाओगे V घटेगा। जैसे ये समुद्री तल है, ये अपने पर्वत है, यहां दाब ज्यादा है, दाब ज्यादा होने से गैस की निश्चित मात्रा का आयतन कम होगा। आयतन कम होने का मतलब मान लीजिए यहां पे पर्वतों के ऊपर दाब कम है तो यहां आयतन ज्यादा होगा, मात्रा उतनी रखनी है। मान लीजिए यहां आयतन इतना है, यहां आयतन इतना सा है, तो यहां मान लीजिए 10 कण है गैस के, यहां पे भी 10 है लेकिन यहां दूर दूर है, तो यहां समुद्र के पास में गैस का घनत्व ज्यादा होगा, पर्वतों पे घनत्व कम होगा। जब गैस का घनत्व ज्यादा होगा मतलब इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, जैसे ही सांस लेंगे ऑक्सीजन मिल जाएगी। पर्वत के ऊपर गैस तरल हो गई, अणु दूर दूर हो गए, तो जितनी श्वसन के लिए चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। ये बॉयल नियम का प्रायोगिक सत्यापन है, आगे पढ़ेंगे। चार्ल्स लोग ये गैसीय नियमों में आते हैं। पहला नियम अपने बात की है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम, बॉयल नियम क्या था, V व्युत्क्रमानुपाती P। दूसरा पढ़ेंगे चार्ल्स नियम, चार्ल्स का नियम। ये नियम कहता है कि जब गैसों को गर्म करते हैं तो गैस के कण दूर दूर जाते नियत ताप। जैसे मान लो आपने भगोने में पानी गर्म किया, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो कम ताप पे जो वाष्प बनी है वो भगोने के आसपास ही है, मतलब उतने से आयतन। जैसे ही ताप बढ़ाओगे वो वाष्प और ऊपर जाएगी। यानी कि चार्ल्स नियम ये कहता है कि अगर गैस का ताप बढ़ाओगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा, यानी कि वी समानुपाती है टी के। यहां था नियत ताप पर, नियत ताप पर, यहां होगा नियत दाब पर। यदि ताप नियत रखते हुए दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, दाब नियत रखते हुए ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा। इसका भी प्रायोगिक अपने महत्व बताएंगे। जैसे
प्रायोगिक महत्व का मतलब ये समझना कि अंतरिक्ष यान के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो बैलून छोड़े जाते हैं मौसम की जानकारी के लिए, या बच्चे जो खेल खेल के लिए बैलून उड़ाते हैं, उन बैलून में समझना, मान लीजिए एक बैलून कम ताप पे है, जब बैलून का ताप कम है तो उसका आयतन कम होगा, दूसरा बैलून उच्च ताप पे है तो उसका आयतन ज्यादा होगा। दोनों में गैस बराबर थी, मान लीजिए दोनों में गैस के 10-10 कण लिए, 5-5-10, इसमें भी 10 लिए। अब देखो ये तो है निम्न ताप पर, निम्न ताप पर आयतन कम है, गैस तो उतनी है, तो कम आयतन में ज्यादा अणु होंगे तो इसका घनत्व उच्च होगा। और यहां जब मैंने उच्च ताप किया, उच्च ताप, तो इसका घनत्व जो होगा वो निम्न होगा, और जिसका घनत्व कम हो वो ऊपर जाता है। तो अगर बैलून को ज्यादा ऊपर उड़ाना है तो वो उच्च ताप पर वायु भरनी चाहिए, और ऊपर नहीं उड़ाना है तो निम्न ताप पे भरनी चाहिए। ये चार्ल्स नियम है वी समानुपाती टी, जिस पे पूरी डिटेल बात करेंगे अपने। तीसरा आएगा गैलुसेक लो, गैलुसेक का नियम, ये भी छोटा सा बता देता हूं। गैलुसेक का नियम पहले भी पढ़ा था आपने पहले चैप्टर में, एक बार और समझ लो। गैलुसेक नियम, गैलुसेक नियम ये कहता है कि अगर गैस का आयतन नियत रखा जाए, आयतन नियत रखा जाए, तो जो दाब होगा वो ताप के समानुपाती होगा, पी समानुपाती होगा टी के। कब? नियत, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर। अब नियत आयतन का मतलब समझना, सॉरी, ये मेरे पास गाड़ी का टायर है, समझना बात को ध्यान से। अब ये आयतन निश्चित हुआ कि नहीं हुआ टायर का? टायर का क्या निश्चित है? आयतन। अब आपने मान लो गाड़ी में हवा भरवा ली 35 पॉइंट, ये 35 पॉइंट किसको बता रहे हैं? प्रेशर को, दाब को। किसको बता रहे हैं? दाब को, कि आपने 35 पॉइंट हवा भराई, मतलब दाब जो है वो 35 पॉइंट है। अब आप गाड़ी को 400 किलोमीटर तक लगातार चलाते हो, बीच में कहीं नहीं रुकते, तो जब गाड़ी लगातार चलेगी तो टायर जो होगा वो सड़क के साथ घर्षण करेगा। घर्षण करने से क्या होगा? टायर गर्म होगा, मतलब जब गाड़ी 300-400 किलोमीटर चल रही है तो घर्षण के कारण गाड़ी का ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ने से क्या होगा? दाब बढ़ेगा। जबकि गाड़ी का टायर तो उतना ही है, अंदर जगह यानी कि आयतन तो उतना ही है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। 400 किलोमीटर बाद देखोगे अचानक दाब बढ़कर 50 पॉइंट हो गया या 60 पॉइंट हो गया और टायर फट से फट गया, या मान लो फटने से पहले आपने चेक कर लिया टायर में तो हवा बहुत तेज हो गई, चेक किया 50 या 60 पॉइंट, तब आप कहोगे यार वो मूर्ख था, मैंने उसको बोला था 30 पॉइंट भरना, उसने 50-60 पॉइंट भर दी। एक्चुअल में उसने 50-60 पॉइंट नहीं भरी, उसने तो 30 पॉइंट भरी। जैसे जैसे आप गाड़ी को दौड़ाते गए वैसे वैसे उसका ताप बढ़ता गया, ताप बढ़ने से अपने आप दाब बढ़ गया। इसलिए जब भी गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए 50-60 किलोमीटर चलने के बाद एक बार गैप दे दो, 100 किलोमीटर पे दे दो एक बार गैप दे दो, पहला। दूसरा, लंबी ड्राइव पे जाना है हमेशा हवा कम रखो, क्योंकि ताप बढ़ेगा हवा अपने आप उसकी बढ़ेगी, और हर 100 किलोमीटर पे 10 मिनट रुक जाओ जिससे वो टायर वापस ठंडा हो जाए और अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ये कहलाता है गैलुसेक का नियम कि दाब समानुपाती है ताप के। बोल्स नियम क्या था? वी विद कर्मानुपाती पी नियत ताप पे। चार्ल्स नियम था वी समानुपाती टी नियत दाब पे, और गैलुसेक का नियम है नियत आयतन पर पी समानुपाती टी। इन सभी नियमों के न्यूमेरिकल करेंगे, सभी नियमों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे। आज तो मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर का कि अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये गैसीय नियम कहलाते हैं,
बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक का नियम। नेक्स्ट समझना, एवोगैड्रो लॉ, आयतन मात्रा में रिलेशनशिप। एवोगैड्रो नियम मैंने आपको पहले चैप्टर में कराया था, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में। समझना क्या था, एवोगैड्रो नियम ये गैसों के लिए चौथा नियम है। क्या नियम था, नियत ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब V समानुपाती होता है N, कब, जब ताप और दाब दोनों नियत हो। नियत ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणु समान होंगे तो मोल भी समान होंगे, क्योंकि एवोगैड्रो संख्या के बराबर एक मोल होता है। जैसा आपने ये पढ़ा है, एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। या अणुओं की बात करें तो एक मोल में इतने अणु है, 6.023 × 10³³ अणु। इसका मतलब इतने अणुओं का आयतन 22.4 लीटर है। जैसे ही मैंने दो मोल किया आयतन एनटीपी पर, तो अणु हो गए 12.046 × 10³³ अणु, तो आयतन डबल होकर के 44.8 लीटर हो गया। मतलब जब आयतन दुगने हुए तो अणु भी दुगने होंगे, या अणु दुगने होंगे तो आयतन भी दुगना होगा। मतलब V समानुपाती होगा N के। बॉयल्स नियम V समान V व्युत्क्रमानुपाती P, चार्ल्स V समानुपाती T, गैलुसेक P समानुपाती T, एवोगैड्रो नियम V समानुपाती N। ये चार नियम मैंने रफली एक बार आपको बताया है, ये चार नियम आपको पढ़ने हैं। आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है समझना। आदर्श गैस समीकरण, बॉयल नियम क्या था, V व्युत्क्रमानुपाती P, समीकरण नंबर एक। चार्ल्स नियम क्या था, V समानुपाती T, समीकरण नंबर दो। गैलुसेक नियम क्या था, P समानुपाती T, समीकरण नंबर तीन। एवोगैड्रो नियम क्या था, V व्युत्क्रमानुपाती N, V व्युत्क्रमानुपाती N। अब इन सबको मिला दे, इन सबको मिला दे, तो इसमें ध्यान से देखना, चार नियम बने टोटल अपने, इनमें से इस गैलुसेक नियम की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इन तीन नियमों को मिला दे तो सॉरी अपने पास ये समीकरण आएगी, V समानुपाती क्या हो जाएगा, N T बट्टा P, समीकरण नंबर चार। समानुपाती चिन्ह हटाया, V बराबर कांस्टेंट लग गया R N T बट्टा P, समीकरण नंबर पांच। इस P को इधर ले आओ, क्या बना, P V बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। इस समीकरण का नाम है आदर्श गैस समीकरण। क्या नाम है, आदर्श गैस समीकरण, आइडल गैस इक्वेशन। किससे आई, गैसीय नियमों को मिलाने पर। तो भाषा क्या होगी कि गैसीय नियमों को मिलाने पर, गैसीय नियमों को, तो बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, एवोगैड्रो नियम, गैसीय नियमों को मिलाने पर प्राप्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। अब इसमें अगर मैंने मात्रा निश्चित रखी, आर कांस्टेंट है, आयतन नियत किया, तो गैलुसेक नियम अपने आप आ जाएगा, पी समानुपाती टी। ये आदर्श गैस समीकरण है, पीवी बराबर एनआरटी, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट समझना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ये कहता है
आराम से इस बात समझना मान लीजिए ये कोई वेट मशीन है ये तो नॉर्मल समझाने के लिए ले रहा हूं ठीक है ना बाकी इसका डाल्टन नेम का इस वेट मशीन से कोई लेना देना नहीं इस पर कोई कैंडिडेट ए खड़ा हुआ तो उसका वेट लिखा हुआ आया यहां 50 केजी इस पर बी खड़ा हुआ वेट लिखा हुआ आया 60 केजी इस पर सी खड़ा हुआ वेट लिखा हुआ आया 70 केजी इस पर ए बी और सी तीनों खड़े हो गए तो जो वेट आया वो 180 केजी आया तो रिजल्ट क्या निकला व्यक्तियों के समूह का भार तीन व्यक्ति है ना यहां पे ए बी सी यहां एक एक थे ए बी सी व्यक्तियों के समूह का भार उनके व्यक्तिगत भारों के योग के समतुल्य होगा मतलब ये जो 180 आया है ये इनके व्यक्तिगत भारों का योग है ऐसे इसने गैसों के लिए बनाया नियम समझना इसने कहा कि मान लीजिए इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है यहां दाब मापी लगा हुआ है जो दाब बताता है ठीक है इसमें गैस है ए दूसरे में ये दाब मापी इसमें गैस भरी हुई है बी तीसरे में ये दाब मापी इसमें गैस भरी हुई है सी ठीक है इसका दाब आया आंशिक दाब पी ए ये जो दाब आया केवल ए गैस का आया इसके कारण बी के कारण दाब आया पी बी इसके कारण दाब आया मान लीजिए पी सी इनकी वैल्यू लिखना चाहे वैल्यू लिख दो मान लो ये लिख दिया 20 एटमॉस्फेयर 30 एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल 40 एटमॉस्फेयर चौथे पात्र में मैंने क्या किया गैसों का मिश्रण ले लिया ए बी और सी तीनों ले लिया अब जो दाब मापी में टोटल दाब आया पी टोटल इसकी वैल्यू आई 90 एटमॉस्फेयर तो डाल्टन ने रिजल्ट क्या निकाला इसको बोलते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम अकेली गैस का दाब आंशिक दाब था तो इसने कहा कि गैसीय मिश्रण का कुल दाब बात समझना गैसीय मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित गैसों के आंशिक दाबों के योग के समतुल्य होगी मतलब इन तीनों को जोड़ लो यही आएगा टोटल ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहलाता है जो अपने डिटेल में करेंगे बाद में ये डायग्राम से बताया देखो इसमें गैस ए है इतना दाब आया पी ए इसमें बी गैस है इतना आया पी बी इसमें सी गे दो ही है ये पी था 300 ये पी था 400 जब ए और बी दोनों का मिश्रण डाला तब दाब आया 300 प्लस 400 700 और यहाँ 700 ही सो कर रहा था ऐसे अलग अलग गैसे यहाँ दे रखी है देखो इसमें ओ टू है दाब है 20.9 इसमें एन टू है 78.1 अच्छा ये मात्रा दी है परसेंटेज ये 0.97 इतना ये 101. इतना ये मतलब डाल्टन के आंशिक दाब नियम में आता है ये आगे क्या आएगा पूरा समझाएंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस गैसों की मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है किसने दी थी ये थ्योरी दी थी बर्नौली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एटसेट्रा कौन कौन थे बर्नौली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एटसेट्रा पूरी डिटेल में बात करेंगे ये कहता है कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है मतलब गैस जो होती है वो इस तरह से होती है ये कह रहा है प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है इन ऐसे कणों से ये पहला पॉइंट है अणुगतिक सिद्धांत का प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है जिन्हें अणु कहते हैं ये पहला पॉइंट है अणु या अक्रिय गैस है तो परमाणु दूसरा इस गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में इस अकेले कण का आयतन नगण्य होता है अकेले कण का आयतन कितना होगा नगण्य तीसरा इन गैसों में कोई आकर्षण बल नहीं लगता
कोई आकर्षण बल नहीं लगता, इसका मतलब ये कण आपस में आके जुड़ते नहीं, ठोसों में आकर्षण बल लगता है जुड़ जाते, इसमें नहीं जुड़ते, आकर्षण बल लगनी होता है, कोई आकर्षण बल नहीं होता। इन गैसों में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने का मतलब ये कभी भी पैंदे में आके नहीं बैठते। जैसे मैं ये पेन हाथ से छोड़ दूं, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सीधा नीचे जाके बैठेगा। अगर मान लो गैसों पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो सारी गैस से वायुमंडल से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आकर के बैठ जाते, फिर अपन यहां ऐसे सांस लेते, ऑक्सीजन आती नहीं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो नीचे फुटबॉल की तरह अपने लात मार रहे ऑक्सीजन को। इसका मतलब इनमें गुरुत्वाकर्षण बल जीरो होते। तो पहला पॉइंट देखो, सूक्ष्म कणों से बनी है, आयतन नगण्य है, अणु का आकर्षण बल नगण्य है, गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है। इन गैसीय अणुओं की जो गति जुड़ जाओगी वो ताप के समानुपाती होगी, मतलब जितना ताप ज्यादा होगा अणु उतने ही तेज भागेंगे, तेज भागेंगे तो उनकी गति जुड़ जा ज्यादा होगी। ये जो अणु है ये जब पात्र की दीवार से टकराते हैं तो टकरा करके पात्र की दीवार पर एक दाब उत्पन्न करते हैं। ये अणु जब आपस में टकराते हैं या पात्र की दीवार से टकराते हैं तो टकरा करके अपनी गति की दिशा चेंज कर लेते हैं, मतलब बार बार टकराएंगे, जैसे ये अणु है बार बार कणों से टकराएगा, अपनी दिशा चेंज करता जाएगा, तो ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति प्रदर्शित करेगा। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को रॉबर्ट ब्राउन, वनस्पति विज्ञान का साइंटिस्ट था, उसने खोजा था, इसको ब्राउनी गति नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? ब्राउनी गति। स्पीडली दोबारा सुन लो, छोटे कणों से बनी होती है अणु या परमाणु कहलाता है। इस अणु का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य है। गैसीय कणों में कोई आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। टेढ़ी मेढ़ी गति प्रदर्शित करता है जिसे ब्राउनी गति नाम दिया। गैसों के कणों की गति जुड़ जा ताप के समानुपाती होती है। ये सारी बात मैं पूरी एक दिन में केवल अपने एक लेक्चर में केवल ये अणुगतिक सिद्धांत ही होगा, जितना अभी बताया वही होगा, बट एक एक पॉइंट पर पूरा एक्सपेरिमेंटल चलेंगे। नेक्स्ट समझना, ये मैक्सवेल के ताप के कर्व है, आगे बताएंगे। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर, मतलब दो तरह की गैसें होती है। अपने आदर्श गैस समीकरण आई थी, गैसीय नियमों को मिलाने पर आदर्श गैस समीकरण क्या आई थी? पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। जो गैसें इस समीकरण की पालना करते प्रत्येक ताप और दाब पर वो गैसें कहलाती है आदर्श गैसें, आदर्श गैसें। जो गैसें इस समीकरण की पालना नहीं करती वो कहलाती है वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें। वायुमंडल में कौन सी गैस है, आदर्श गैस है या वास्तविक गैस है? तो इसका मतलब समझना, वायुमंडल में गैस से वास्तव में है, इसका मतलब वो वास्तविक गैस है। वास्तविक गैस से ही उच्च ताप और निम्न दाब पर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो अपने वायुमंडल में गैसें हैं वो उच्च ताप और निम्न दाब पर इस समीकरण की पालना करते हैं, इसका मतलब वो आदर्श बन जाते हैं। और जो पालना नहीं करे, यानी कि उल्टा कर दूं, निम्न ताप उच्च दाब, तब ये पालना नहीं करेगी, तब केवल वास्तविक गैस कहलाएगी। तो वास्तविक का मतलब होता है रियल में होना, आदर्श का मतलब होता है काल्पनिक। जैसे दो तरह के इंसान होते हैं, वास्तविक और आदर्श इंसान। तो आदर्श इंसान किसको कहेंगे? अपने सभी आदर्श इंसान हैं। जैसे रूल है, अन्याय मत करो, पाप मत करो, गऊ को रोटी दो, ये जितनी चीजें जो भी लिखी हुई है, मतलब जो धर्म में चीजें है, किसी का बुरा मत करो, जो आदमी इन चीजों की पालना करता है वो आदर्श बन जाता है कि यार वो आदमी बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए आइडल मैन है। इसका मतलब अपने ही आइडल मैन बन सकते हैं, अपने अच्छे कर्म किए आइडल, नहीं किए नॉन आइडल, रियल हो गए। तो अपनी ये कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब जो व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा वो आदर्श व्यक्ति है, आदर्शवादी है। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि कुछ अनहोनी नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो, इसलिए झूठ बोलना भी पड़ जाता है, तो उस दिन वो व्यक्ति आदर्श व्यक्ति नहीं है, वो वास्तविक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोल दिया।
तो अपने आगे पढ़ेंगे इसको, ये गैसीय नियमों को मिलाने पर समीकरण आई थी जिसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। जो गैसें इस समीकरण की पालना करेगी वो आदर्श गैस है, जो गैसें इस समीकरण की पालना नहीं करेगी मतलब वो आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करेगी, उनको वास्तविक गैसें कहते हैं। ऐसी कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम, ये मतलब व्यवहार क्यों विचलित होते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं उसके कारण लिखेंगे। फिर वांडरवाल समीकरण लिखेंगे वास्तविक गैसों के लिए। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रव के गुणों की बात करेंगे कि द्रवों में अंतरणु बल क्या होगा, रिक्त स्थान कितना होगा, गैसों की तुलना में कितना होगा, ठोसों की तुलना में कितना होगा, प्रवाह की प्रवृत्ति क्या होगी, द्रवों में सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव क्या होगा, मतलब द्रव के जो सतह पर कण होते हैं उन पर समान अंतराणु बल नहीं लगता जबकि बीच वाले में समान लगता है, तो सतह के कण नीचे की तरफ खींचते हैं इसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ये द्रव में अलग से पड़ेंगे। विस्कोसिटी, द्रवों में अपनी गति के विरोध करने का गुण पाया जाता है, इस गति के विरोध करने के गुण को स्यानता या विस्कासिता बोलते हैं। जिस द्रव में अपनी गति का विरोध करने का गुण ज्यादा होगा मतलब जिसकी स्यानता ज्यादा होगी वो धीरे धीरे प्रवाहित होगा, जिसकी स्यानता कम होगी वो तेजी से प्रवाहित होगा। तो देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये द्रव तेजी से बह रहे हैं इसका मतलब इसकी स्यानता कम है, ये इससे थोड़ा धीरे बह रहा है इसकी स्यानता और ज्यादा है, ये बहुत धीरे बह रहा है ये बह ही नहीं रहा, ये बिल्कुल है वैसे ही पड़ा है। जैसा पानी और गोंद दोनों को फर्श पर डाल दो तो गोंद की स्यानता ज्यादा है, गोंद तेज नहीं भागेगा एक ही जगह रुक जाएगा, पानी में अंतराणु बल कम है वो तेज भागेगा। पेट्रोल और पानी को फर्श पे डालो पेट्रोल तेज भागेगा, तो जो तेज भाग रहा है उसकी स्यानता कम है और जो धीरे भाग रहा है उसकी स्यानता ज्यादा है। चीनी का पतला घोल लो वो फर्श पे डाल दो तेज भागेगा, चीनी का गाढ़ा घोल लो वो तेज नहीं भागेगा। ये अपने पढ़ेंगे द्रव में आगे। नेक्स्ट इतना ही है चैप्टर, तो क्या क्या समझ में आई बात वो समझो कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में अपने को द्रव्य की अवस्थाएं पढ़नी है, द्रव्य की अवस्थाएं। इस चैप्टर में अपने गैसीय नियम पढ़ने हैं, गैसीय नियम। इस चैप्टर में अपने गैस समीकरण पढ़नी है जिसे आइडल गैस समीकरण कहते हैं। इस चैप्टर में अपने डाल्टन के आंशिक दाब का नियम पढ़ना है, डाल्टन के आंशिक दाब नियम पढ़ना है। इस चैप्टर में अपने गैसों का अणुगतिक सिद्धांत पढ़ना है, अभी 5 पॉइंट जो बताए थे अणुगतिक सिद्धांत। उसके बाद अपने इस चैप्टर में आदर्श व्यवहार से विचलन पढ़ना है कि वास्तविक गैस से आदर्श व्यवहार से विचलन कैसे प्रदर्शित करेगी। और लास्ट में द्रव अवस्था के लिए 3 गुण पढ़ने हैं, एक तो वाष्प दाब, एक पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, और एक पढ़ना है विस्कासिता या स्यानता। ये इतनी चीजें अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, क्या क्या, द्रव्य की अवस्थाएं, गैसीय नियम, गैस समीकरण, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, अणुगतिक सिद्धांत, आदर्श व्यवहार से विभाजन, और ये 3 द्रवों की अवस्थाएं। ये अपने पढ़ते ही ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। ये अपने को पढ़ना है स्यानता, पृष्ठ तनाव, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, 3 गुण बताए अभी, वांडरवाल समीकरण पढ़नी है विचलन में, गैसों का बिहेवियर विचलन क्यों करेगा, गैसों की अणुगतिक सिद्धांत पढ़ना है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम पढ़ना है, आइडल गैस समीकरण पढ़नी है, अवोगाद्रो नियम, गैलुसेक नियम, चार्ल्स नियम, बॉयल्स नियम, और पदार्थ की अवस्थाओं के सामान्य गुण, यहां तक अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।